अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आई हूँ बड़े टाइम के बाद कुकिंग विद शबाना से रिलेटेड रिव्यू लेकर, अंबरनाथ से रिलेटेड रिव्यू लेकर। उम्मीद करती हूँ आप इन्जॉय करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो है भी बहुत इंटरेस्टिंग और ये सस्पेंस भी है, वो जो कहते हैं दिखाना भी नहीं है और छुपाना भी नहीं है। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपने इस सस्पेंस भरे रिव्यू का और आपको बताते हैं कि असल में मामलात क्या हैं, क्या छुपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, पहले तो जो रिश्ता हुआ था और उसकी एक एक डिटेल्स बताई थी कुकिंग विद शबाना ने भी, अंबरनाज ने भी, वीडियोस में लड़के का भी पता था, उनकी फैमिली का भी पता था, और प्लस अंबरनाज का मिलना मिलाना, कुकिंग विद शबाना का मिलना मिलाना, सब कुछ नज़र आ रहा था, एक्सपोज था। तो हमें लगता था कि भाई हम वाकई में इनकी फैमिली का हिस्सा हैं, इनकी हम यूट्यूब फैमिली हैं। बट राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है वो टोटली डिफरेंट है। और डिफरेंट इसलिए है कि शायद पिछले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो अब इनको समझ आ गई है कि अब हमने खुल के हर बात नहीं बतानी, बल्कि हमने वो क्या वो कहते हैं उसको, सस्पेंस रखना है, छुपा के रखना है, अनलेस के फाइनल डे ना आ जाए तब तक हमने कुछ नहीं बताना। क्योंकि बात यह है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और ठीक है हर एक का पर्सनल मैटर है और हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, ना करेंगे कि भाई हमें बताओ असल बात क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सारी जो इनकी वीडियोस हैं दोनों चैनल्स की, वो इसी तरह की हैं कि घर में पेंट हो रहा है, शॉपिंग पे जा रहे हैं, दिन थोड़े रह गए हैं, बिरयानी बना के ससुराल भेजी, और कंबल की शॉपिंग और घर के बर्तनों की शॉपिंग, मुझे घर संभालना आता है, मतलब इस तरह की टाइटल्स लगा के वीडियोस बनाना। फिर दुबई शॉपिंग के लिए चली गई वो, हालांकि अंबर की तो पिछली शॉपिंग भी इन्होंने की थी और अब तक करती रही होंगी, क्योंकि अक्सर माएँ यही काम करती हैं कि बेटियां जिनके घर में हों वो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करती रहती हैं। और अब तो खैर से शबाना जी जो हैं वो तो जा चुकी हैं दुबई शॉपिंग के सिलसिले में, लेकिन वहाँ से भी कोई ख़ास शॉपिंग तो नहीं करी है। शॉपिंग तो वो बड़े आराम से कराची से, लाहौर से, मतलब हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है कि आप शॉपिंग के लिए वहाँ चली गई। हाँ शायद यूट्यूब के कंटेंट के लिए गई होंगी, व्यूज़ अच्छे मिल जाएंगे, थोड़ा सैर हो जाएगी, और एक बंदी का क्या खर्चा, ठीक है। तो वहाँ आई थिंक इनके भाई का घर है या जिनका भी घर है या कोई फैमिली फ्रेंड है, तो समझे कि स्टे तो इनका वैसे ही रहना हो गया फ्री, पहले भी ये गई थी और अब जो है तो शादी की शॉपिंग के सिलसिले में गई हुई हैं। और कुकिंग विद शबाना जो है वैसे भी कोई इतनी फजूल खर्च मुझे नहीं लगती, बहुत नपे तुले अंदाज में खर्च करती हैं, घर जिस अंदाज में चला रही हैं तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि खुद तो अच्छी हैं, अब अल्लाह करे बेटी जो है अंबरनाज वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें और आगे जाके घर को उसी तरीके से संभालें। तो लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है। और मुझे अंबर में भी अब कुछ मेच्योरिटी नज़र आ रही है, और पहले तो कुछ बचपना था, लाउबालीपन था, और अभी ये है कि थोड़ा सा कुछ मेच्योरिटी नज़र आ रही है, इस हिसाब से कि वो भी शायद चाहती हैं कि अब उनका घर बस जाए। तो हमारी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह करे वो अपने घर में शाद व आबाद रहें और खुश खुशहाल रहें, ताकि माँ बाप के भी दिल ठंडा रहे,
यही सुनने में आया है कि बेटा हो बेटी हो बस अपने घर में आबाद रहें खुश रहें वही अच्छा होता है। चिकन हमने डाल दिया है, अब इसको फ्राई करना है और इस पे कुछ मसाले डालने हैं स्पाइसेस, वो मैं आपको फिर बताती हूँ। हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे मसाला जार स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाएगा ये है इलायची पाउडर, ये गया। उसके बाद ये है जीरा, जीरा गया। देन ये है व्हाइट पेपर, ये है गरम मसाला, ये है ब्लैक पेपर, और जनाब ये है हरी मिर्चें, ये भी डालनी है और इसके साथ ही फ्राई करना है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आपकी सोच है। और जनाब ये मैं बना रही हूँ व्हाइट चिकन, व्हाइट ग्रेवी चिकन, जिसमें मैंने ऐसे मसाले डाले हैं जो खुशबू के लिए और जायके के लिए A1 है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इसमें हमने ये ग्रेवी डालनी है जो हमने बनाई है। ये देखिए जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, जो ब्लेंडर में आपके सामने मैंने ब्लेंड किया था। मिक्स होने के बाद इसकी शक्ल ये हो चुकी है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे और इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे। और ये देखिए जी लजीज, ये देखिए जी लजीज चिकन वाइट ग्रेवी वाला कौरमा तैयार। अच्छा जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।